Friends, today our topic is pregnancy with mental disorders. Pregnancy जो psychiatric illness है वो जो women होती है उनमें pregnancy और postpartum period में high risk माने जाते हैं, ठीक है। तो psychiatric illness को pregnancy और postpartum period में high risk के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जो कि यूटेराइन जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है यूट्रस में, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, और ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है, और मतलब डेसिडुआ जब जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको डिक्रीज करता है, और जो इम्प्लांट की साइट है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्रेशन, जो मेजर डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी, तो अगर जो वुमेन है उसमें रिकरेंट डिप्रेशन आ रहा है, रिकरेंट मेजर डिप्रेशन हो रहा है, और वो इसके साथ में वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से मेंटेन है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेगनेंसी के दौरान उसमें डिप्रेशन होने के, मतलब डिप्रेशन रिलैप्स होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो हाई रिस्क है, जो साइकेट्रिक इलनेस है वो हाई रिस्क होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो मिस्ड हो जाता है डायग्नोसिस में, मतलब डायग्नोसिस के दौरान पता नहीं चल पाता है कि उसको साइकेट्रिक इलनेस है या फिर डिप्रेशन की कंडीशन है, तो और जो अनट्रीटेड जो डिप्रेशन होता है वो मदर्स को बहुत इंजरी कर सकता है, मतलब जो अनट्रीटेड डिप्रेशन है उसमें मदर जो होती है वो सेल्फ इंजरी कर सकती है, या फिर फीटस को इंजरी कर सकती है, ठीक है, या फिर उसमें सुसाइडल बिहेवियर होता है, ठीक है, और या फिर इनएडिक्वेट सेल्फ केयर होगा उसमें, ठीक है, या फिर वो जो उसकी प्री नेटल जो भी केयर है उसकी वो अपने केयर नहीं कर पाती है, ठीक है। और उसके बाद में जो डेवलपिंग फीटस है उसके ऊपर भी जो डिप्रेशन है वो बहुत अफेक्ट डालता है, बहुत एडवर्सली इफेक्ट डालता है डेवलपिंग फीटस पर, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट तो साइकोथेरेपी, बाई साइकोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इंटरपर्सनल थेरेपी का यूज़ किया जाता है डिप्रेशन में प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है, क्योंकि जो डिप्रेशन की जो सीवियरिटी है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। और उसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी आल्सो बेनिफिशियल होती है, ठीक है। उसके बाद में एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट मतलब कैसे करेंगे इसका, दिस इज जो वुमेन है प्रेग्नेंट वुमेन है उसको जो ये थेरेपी होती है उन वुमेन्स को दी जाती है जो कि जिनमें सिम्टम्स, मतलब जो सिम्टम्स आते हैं एंटी डिप्रेसेंट के वो अफेक्ट करते हैं उसकी वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, ऐसी वुमेन्स को ये थेरेपी दी जाती है, ठीक है। और मेडिकेशन मेडिकेशन जो चॉइस होती है इसमें कौन सी मेडिसिन देनी है वो मतलब किस पे बेस होती है, उसके प्रायर रेस्पॉन्स में, उसकी अगर पहले से मेडिसिन चल रही है तो उसके रेस्पॉन्स पे बेस होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्लुऑक्सेटिन दे सकते हैं जो कि फर्स्ट लाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, ड्रग ऑफ चॉइस है, फर्स्ट लाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है फ्लुऑक्सेटिन। ऑक्सेटिन दे सकते हैं और कोई भी और दूसरे ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे कि नोरट्रिप्टिन डेसिप्राम जैसी ड्रग्स भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर पोस्टमार्टम पीरियड में प्रजेंट हो सकती है, ठीक है। जो कि इसमें क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, मतलब हिस्ट्री में उसमें पता चलता है हाइपोमेनिया था या फिर मेनिया की कंडीशन थी, ठीक है। कोई भी डायग्नोसिस करने से पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं या फिर और कोई
साइकोलॉजिकल सिम्टम्स थे क्या उसमें, ठीक है। तो उसके अलावा जो वुमेंस होती है वो उसमें सिंगल एपिसोड ऑफ मेनिया की भी हिस्ट्री हो सकती है, जो कि सिंगल एक बार अगर सिंगल मेनिया का एपिसोड है उसके बाद में वो कंटिन्यू वेलबींग है, उसके बाद में उसको नहीं है मेनिया, तो ऐसी हिस्ट्री भी उसकी हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो साइकोट्रॉपिक्स हैं वो उनके बिना भी उसको मतलब ट्रीट किया जा सकता है, साइकोट्रॉपिक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिसमें रिकरेंट मेनिया के एपिसोड हैं वो, तो रिकरेंट इलनेस हो रही है या फिर सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको मेडिसिन पे रखा जाता है। तो जो मूड स्टेबलाइजिंग होते हैं जैसे लिथियम, तो लिथियम इसमें दिया जाता है, लेकिन लिथियम क्या करता है, कार्डिक एनोमली कर सकता है फिटर्स में। तो लिथियम को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में लिथियम दिया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, क्योंकि फिटर्स में ये कार्डिक इफेक्ट कोज करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एंटी कन्वर्जेंट जिसमें देते हैं, तो एंटी कन्वर्जेंट की वजह से भी कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं। उसके बाद में देखते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं, तो जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स का फ्लक्चुएशन होने पे वुमेंस में एंजाइटी मोडुलिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो भी रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं उनका मतलब रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन का फ्लक्चुएशन जो होता है उसमें एंजाइटी, वो एंजाइटी मोडुलिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वुमेंस में ही है। तो अगर इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन कोर्टिजोल, तो ये सब क्या होता है कि स्ट्रेस रेस्पॉन्स को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद में चाइल्ड बर्थ एक एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर कंडीशन होती है प्रेगनेंट वुमेन के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है वुमेन में। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का, तो साइकोथेरेपी के थ्रू, तो उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, जो कि पैनिक डिसऑर्डर एंड जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेडिसिन है, मतलब ये थेरेपी धीरे धीरे मेडिसिन को टैपिंग करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और जो मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें, तो उनको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट मेंटल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एंजियोलाइटिक्स देते हैं। तो एंजियोलाइटिक्स में फ्लुऑक्सेटिन देते हैं, ठीक है, फ्लुऑक्सेटिन और ट्रासाइक्लिन देते हैं, ठीक है, जो एंटी डिप्रेसेंट है, जो कि एक रीजनेबल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। इसके अलावा बेंजोडाइजेपाइन का भी यूज करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर में, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान ये फीटस में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का डेवलपमेंट कर देती है, तो इस वजह से बेंजोडाइजेपाइन का यूज कम करते हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर और अगर इसका थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर बेंजोडाइजेपाइन का एक्सपोजर हो जाए, तो उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे कि न्यूनेटल टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, और मस्कुलर हाइपोटोनिया और फेलियर टू फीड और इम्पेयर टेम्परेचर रेगुलेशन और एपनिया जैसी कंडीशन हो सकती है फीटस में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होता है जिसमें कि जो वुमेन्स हैं, जो जिसमें कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे वुमेंस में जो ऑब्स्टेट्रिक और जो साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हैं उनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
के मतलब अपने इन्फेंट को मार भी सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनिशियल होता है हेल्थ केयर वर्कर्स होता है वो जो प्रेगनेंट वुमेन है उसको ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं इनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और मदर और फीटस दोनों को कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है, और फीटस को जो ड्रग्स के एक्सपोजर में फीटस आ रहा है उसके जो उससे जो पोटेंशियल रिस्क उसको हो रहे हैं उनसे भी उनको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है साइकोटिक डिसऑर्डर्स का, इसमें न्यूरोलेप्टिक्स शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है, एज ए साइकोसिस कैन बी एन ऑब्स्टेट्रिक एंड मेडिकल इमरजेंसी। और जबकि क्या होता है कि इवन लो पोटेंसी न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं उसमें भी कंजेनाइटल एनोमलीज कोज करने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी उनको हायर डोज दी जाती है प्रेग्नेंट वूमेन को इसका कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जो तो कि मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन और न्यूरोनेटोलॉजिस्ट दोनों की उसके अंडर में मेडिसिन उनकी चलती है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसका मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है। और ऑब्स्टेट्रिशियन एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर को रिकॉग्नाइज करता है, और जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पर उसको रिकॉग्नाइज करता है, और जो पेशेंट के द्वारा दिए गए अपीयरेंस कैसे दी जा रही है रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है पेशेंट का उसके आधार पर भी वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और उसके बाद में जो और उसके बाद में ही इज कंसिडर फैक्टर लाइक टेरेटोजेनेसिस, ठीक है, टॉक्सिसिटी टू नियोनेट, टेरेटोजेनिक टॉक्सिसिटी होती है उसके जो कंसिडर फैक्टर्स होते हैं उसके लिए भी, और न्यूरो बिहेवियर स्क्वेल, ठीक है, और रिस्क ऑफ नॉन ट्रीटमेंट एज वेल एज रिस्क ऑफ मेडिसिन डिसकंटिन्यूएशन, अगर मेडिसिन को डिसकंटिन्यू किया जाएगा तो भी रिस्क के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है, प्रेगनेंट वुमेन में। तो हमने ये देखा मेंटल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी क्या होती है, टीनेजर प्रेगनेंसी भी इसको बोल सकते हैं। तो टीनेजर प्रेगनेंसी बिफोर 18 ईयर से पहले वुमेन का प्रेगनेंट होना टीनेजर प्रेगनेंसी कहलाता है। तो इंडिया में रूरल एरियाज में जो 13 टू 16 ईयर एज पे उनकी मैरिज कर दी जाती है, और जो कंसेप्शन है वो अर्ली स्टेज में उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटरनल और फीटल दोनों की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मेटरनल न्यूट्रिशन पे और बर्थ वेट पे, ठीक है, और सर्वाइवल ऑफ स्प्रिंग इन सब पे बहुत इफेक्ट पड़ता है टीनेजर प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन मदर, तो मदर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि इंक्रीज चांस ऑफ लोअर मेटरनल बॉडी वेट, ठीक है, और बॉडी वेट गेन। तो उसका तो बॉडी वेट गेन है उसमें भी मतलब जो उसका बॉडी वेट गेन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और लोअर प्रेगनेंसी वेट गेन, ठीक है, एंड हाई प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया एंड PIH, ठीक है, और हाई चांसेस ऑफ CPD, ठीक है, और एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ड्यू टू इन एडिक्वेट पेल्विक साइज, ठीक है। तो PIH प्रेगनेंसी फिर हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, CPD हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है क्योंकि पेल्विक की साइज जो होती है वो छोटी होने के कारण ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट ऑन फीटस, इफेक्ट ऑन बेबी। तो बेबी भी क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि प्री मेजोरिटी या फिर लो बर्थ वेट हो सकता है, या फिर जो बर्थ आस्फिक्सिया हो सकता है बेबी में, और केयर ड्यूरिंग डिलीवरी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ सकती है डिलीवरी के दौरान बच्चे की, ठीक है। अब उसकी केयर क्या क्या दी जा सकती है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी में, तो प्रॉपर ANC विजिट, तो उसकी प्रॉपर ANC विजिट होनी चाहिए, आयरन एंड फोलिक एसिड कैल्शियम सप्लीमेंट उसका प्रॉपर होना चाहिए, और काउंसलिंग की जानी चाहिए उसको STDs के लिए,
जाने चाहिए। और जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, मतलब ऐसी प्रेगनेंसीज को हाई रिस्क ग्रुप में रखा जाना चाहिए, ठीक है, और उनकी डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल करवानी चाहिए, मतलब हॉस्पिटल में ही उनकी डिलीवरी करवानी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में देख रहे हैं कि इसके उसके बाद में हम देखते हैं, ये हमारी हो गई एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं एंडर की प्राइमरी ग्रेविडा। हाइपरटेंशन का
कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, पेरिकोज वेट या हर्निया जैसी कंडीशन होती है। ड्यूरिंग लेबर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है, ड्यू टू माल पोजिशन एंड माल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, ठीक है, और समटाइम्स कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकते हैं और रप्चर यूट्रस भी हो सकते हैं, ठीक है, और अगर लेबर को अच्छे से अटेंड नहीं किया गया, अनअटेंडेड है लेबर, तो जो पीपीएच के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया या यूटेराइन एटोमी, ठीक है, ये सब हो जाएगा या फिर स्ट्रोक भी हो सकता है वुमेन को। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है इसके लिए, ठीक है, तो इसका ऑपरेटिव जो सिजेरियन किया जा सकता है, ठीक है, और जो आफ्टर डिलीवरी है वो सब इन्वोल्यूशन के चांसेस होते हैं, और जो लैक्टेशन है उसके भी फेलिंग हो सकती है, मतलब लैक्टेटिंग में भी वो फेल हो सकती है इस वूमेन, ठीक है। उसके बाद में जो हॉस्पिटल से डिलीवरीज होती हैं वो मेनली मतलब ऐसी वुमेन्स की हॉस्पिटल डिलीवरी ही करवानी चाहिए, ठीक है, और रेगुलर उनका चेकअप होना चाहिए, एंटीनेटल चेकअप भी उनका रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, और जो फीटस है उसको भी मॉनिटर पे रखा जाना चाहिए, ठीक है, उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और न्यूनेट की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कंटिन्यू, ठीक है, और जो डिलीवरी के बाद में भी पीपीएच के लिए वुमेन को देखना चाहिए।